गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज वन की है। तो प्यारे बच्चों, कल हमने आपको क्वेश्चन एट तक करा दिया था। कहाँ तक करा दिया था? एट तक। और आज हम आपको क्वेश्चन नंबर नाइन से कराएंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है? हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक ए लाख। हाउ मैनी थाउजेंड मेक ए, एक लाख में कितने थाउजेंड होते हैं? एक लाख में कितने थाउजेंड होते हैं? देखिए, एक लाख में तो ऐसा करेंगे, वन टेन से हंड्रेड थाउजेंड, एक वन थाउजेंड का डिवाइड एक लाख में दे देंगे। वन थाउजेंड का डिवाइड खाए में देंगे एक लाख में, तो वन थाउजेंड एकम वन थाउजेंड, फिर इसमें से कुछ नहीं बचेगा। और किसी भी संख्या का डिवाइड अकेले जीरो में देते तो क्या आता है? जीरो। फिर इसका डिवाइड फिर जीरो में दे दिया, तो इसमें लिख देंगे एक लाख बराबर हंड्रेड थाउजेंड। वन लाख बराबर कितना हो जाएगा? हंड्रेड थाउजेंड। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर टेन, टेन वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी थाउजेंड मेक ए करोड़, एक करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं? उसी प्रकार से एक एक हजार का भाग एक करोड़ में दे दिया, एक हजार का जो डिवाइड है वो किसमें दे देंगे? एक करोड़ में, तो कितना आ जाएगा? वन करोड़ बराबर वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, एक करोड़ बराबर टेन थाउजेंड थाउजेंड, अर्थात एक करोड़ बराबर दस हजार थाउजेंड। एक करोड़ बराबर कितना हो गया? दस हजार थाउजेंड। उससे आएंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन। इलेवन क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेंड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 जो संख्या है ना, उसका जो रिवर्स करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो समझिए, 738 दे रखी है, उसका जो रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 837, ठीक है। फिर उनका डिफरेंस करेंगे तो 837 में से 738 घटाएंगे, तो 17 में से 8 गए तो 9, और 12 में से 3 गए तो 9, 7 में 7 कुछ नहीं, तो 99 आ गया आंसर। कितना आ गया? 99। अब क्वेश्चन नंबर आता है 12। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन लाख टेन लाख, तो 95,47,999। इसके बाद क्या आता है तुरंत? तो बाद में क्या करते हैं बेटा? प्लस वन करते हैं। 95,47,999 में क्या करेंगे? प्लस वन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 95,48,000 आ जाएगा। 95,48,000 आफ्टर में प्लस करते हैं, आफ्टर में क्या करते हैं? प्लस। अब क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कह रहा है? व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 99 लाख, 99 लाख से पहले क्या आता है? तो बिफोर में मैं बता रहा हूँ, उसमें से माइनस वन करते हैं। आफ्टर निकालने के लिए क्या किया हमने? प्लस वन किया। और बिफोर निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस वन करेंगे, तो 99 लाख में से वन घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 98,99,999। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। अब इससे आगे क्वेश्चन 14, 14 वाला भी उसी तरह से कह रहा है कि एक करोड़ से पहले कितना आएगा, तो एक करोड़ में से माइनस वन कटा दिया, तो 99,99,999 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 15, 15 वाला क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल थ्री डिजिट नंबर्स यूजिंग 2,3,4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। राइट ऑल थ्री डिजिट, सभी तीन अंकों की संख्या लिखी है इन अंकों का प्रयोग करते हुए, और प्रत्येक डिजिट केवल एक बार आना चाहिए, उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो 2,3,4, ठीक है। अब इसमें क्या किया, पहले हमने लिखेंगे 2,3,4,234, कितना है? 234, ठीक है। फिर आएगा 342, दो हो गई, तीसरी संख्या आएगी 243, तो इसका मतलब हो गया 243। चौथी संख्या 432, पांचवी संख्या 324, तो इसका मतलब 324, और छठवीं संख्या हो गई 423। मतलब स्टार्टिंग में पहले तीन संख्या बनेंगी, पहले आगे से शुरू करते हैं, फिर दो तीन एक करते हैं, फिर पीछे से 3, 2, 1, फिर 2, 1, 3, फिर जो कॉर्नर की संख्या होती है जैसे 2, 4, 3 और फिर 4, 2, 3, इस तरीके से आपकी छह संख्या बन जाती है। कितनी संख्या बनी टोटल? छह संख्या से ज़्यादा नहीं बनेंगी तीन अंकों की सहायता से केवल कितनी संख्या बनेंगी? 6 बनेंगी, ओके। आपको अब क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 15 तक अपने फेयर में करना है, ठीक है।
अब इससे आगे हम अगली बार कराएंगे। ओके थैंक्स।